हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोहित शर्मा जीडीएस डेंटल से और आपके लिए यूजफुल वीडियोस में कुछ लेके आता रहता हूं। तो हमारे पास कल एक नई सर्जिकल किट आई है डेंटियम की, इम्प्लांट की, और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक इसकी अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाएं और इसमें ये भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे यूज होती है। तो दोस्तों, जो ये सर्जिकल किट की जो ये वीडियो है, ये बिल्कुल बेसिक वीडियो है। जब आप बिल्कुल या तो इम्प्लांट स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर आप स्टार्ट करने वाले हैं, आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या चीजें होती है क्या नहीं होती, तो ही आपके लिए यूजफुल है। अगर आप ऑलरेडी इम्प्लांट कर रहे हैं तो आई थिंक ये सारी वीडियो आपको पता होगी, आप अपना टाइम बेकार ना करेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी आप करिएगा। तो देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या आया है और इसको हम कैसे कैसे यूज करते हैं। दोस्तों देखते हैं कि इस किट के अंदर क्या है। ये सर्जिकल किट है और इसके साथ ये एक्स्ट्रा हमारा डेंटियम का टॉर्क रैचेट एक्स्ट्रा देता है, इस किट के अंदर नहीं आता। तो ये टॉर्क रैचेट ये इस तरीके से पाउच में मेरे को दे रखा है और ये इसको फाड़ के देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है। किट मेंटेनेंस किट है कि आपने कैसे स्टरलाइज वगैरह करनी है, क्या टेम्परेचर रखना है, ये इस तरीके से है। ये दोस्तों इस तरीके से ये पैक होके आती है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो दोस्तों ये हमारी ड्रिल्स लगी हुई हैं, तो पहले एक एक चीज को देखते हैं क्या क्या चीज है। ये हमारी पहली दो, एक छोटी और एक बड़ी, ये इस तरीके से ये ड्रिल्स है। ये हमारी फर्स्ट ड्रिल है, इसको लिंडरमैन ड्रिल्स भी कहते हैं। वैसे बहुत सारी किट्स के अंदर ये दूसरी शेप की होती है, एक जिसके अंदर हम लेंस ड्रिल कहते हैं या पायलट ड्रिल कहते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके ये एक ही ड्रिल बना रखी है और इसको ये लिंडरमैन ड्रिल कहते हैं डेंटियम वाले। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मेरे पास ऑस्टियम की किट है, इसके अंदर ये वाली जो ड्रिल है ये हमारी पायलट ड्रिल है। ये काफी शार्प है, पॉइंटेड है। इसका काम क्या है कि एक पाथ बनाना और कॉर्टिकल बोन को बेसिकली उसके अंदर होल बनाना, ये इस ड्रिल का काम है। दूसरी ड्रिल ये यहाँ पे साइड ड्रिल है, ये क्या करती है, ये साइड बोन की साइड को कट करती है। अगर आपको किसी को पाथ चेंज करना है, गलत ड्रिल हो गया, तो वो इस वाली ड्रिल से करता है। जो डेंटियम कंपनी है, इन दोनों की खूबियां एक ही ड्रिल के अंदर उन्होंने डाल दी है और उसको ये कहते हैं लिंडरमैन ड्रिल। जो सेकंड ड्रिल है इसको भी लिंडरमैन ही कहते हैं और ये भी दो छोटी और बड़ी के अंदर आती हैं। तो बेसिकली जब आपने कहीं इम्प्लांट डालना होता है तो फर्स्ट होल हम इस वाली ड्रिल से करते हैं, फिर थोड़ा सा इलाज हम इस वाली ड्रिल से करते हैं। जो नीचे लगी हुई है ये हमारी है पैरेलल पिंस। पैरेलल पिन का क्या मतलब है, इसका दो काम है। आपने सपोज पहले इस पिन से आपने एक होल बना लिया, एक पायलट ड्रिल कर दी, फिर उसके बाद ये आप उसके अंदर डाल सकते हैं उस होल के अंदर एंड टेक एक्सरे। एक्सरे जब आप लोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपका जो होल है वो कहीं मीजली या डिस्टली टिल्टेड तो नहीं है। पक्कोलिंगली तो नहीं पता होगा, मीजल और डिस्टली टिल्टेड पता लग जाएगा। या दो इम्प्लांट है तो वो क्या दोनों होल आपस में पैरेलल है या नहीं है। दूसरी होती है पाथ पिन। सपोज आप मल्टीपल इम्प्लांट्स कर रहे हैं तो एक इम्प्लांट में आपने प्लेस कर दिया, नाउ यू आर मेकिंग होल फॉर अनदर, तो जिस इम्प्लांट में प्लेस कर दिया उसके अंदर ये स्क्रू कर दो। देखो यहाँ पे स्क्रू थ्रेड बने हुए हैं, उसमें स्क्रू कर दो ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो सेकंड इम्प्लांट है उससे पैरेलल है या नहीं है। तो नेक्स्ट में जो आते हैं ये हमारे ड्रिल्स है अकॉर्डिंग टू साइजेस। जैसे यहाँ पे 3.6 लिखा हुआ है, ये 4.0 लिखा हुआ है, 4.5, 5.0, ये इस तरीके से विड्थ इंक्रीज हो रही है। हमें क्या होता है कि पहले हमें ये जानना होता है अब जो इम्प्लांट का जो लेंथ है वो कितनी रखने वाले हैं, डायमीटर कितना रखने वाले, फिर उसके अकॉर्डिंगली ड्रिल करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने जो इम्प्लांट के अंदर जो ड्रिल करना है, हमने 4.5 का 10 mm का इम्प्लांट हम डालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो पहले हमारा जो स्टेप होगा, पहले लिंडरमैन ड्रिल, फिर उसके बाद लिंडरमैन टू ड्रिल,
फिर 3.6, फिर 4.0 और फिर 4.5। लेकिन जैसे ही हम आरसीटी के अंदर करते हैं कि पहले हमने 10 नंबर की करी, फिर 15 की, फिर 20 की, एक स्मॉल होल किया, फिर उसके बाद बिग होल हम करते चलेंगे। अब इसके अंदर लेंथ को डिसाइड करने के लिए इसके ऊपर कुछ लेजर मार्किंग्स है, जो ये व्हाइट कलर के बैंड देख रहे हो, जो फर्स्ट मार्किंग है ये 8 mm पे है, फिर ये जो मोटा बैंड चालू हो रहा है व्हाइट कलर का ये 10 mm पे, खत्म 12 mm पे हो रहा है, ये 14 mm के ऊपर हो रहा है। तो ये हमारी ड्रिल की शेप देख सकते हो, नीचे से ये एक कांस्टेंट नहीं है, ये पहले एक टेपर है ये यहाँ तक लास्ट के 4-5 mm तक, फिर उसके बाद दूसरा टेपर है। तो कई बार इम्प्लांट करते वक्त ये ड्रिल अंदर 10 की जगह 11 चली जाए, 12 चली जाए, उसको कंट्रोल नहीं रहता। तो उसको कंट्रोल रखने के लिए अलग से स्टॉपर आपको इस किट के साथ खरीदने पड़ते हैं। जैसे मेरे पास ये स्टॉपर है, एक ये शायद 10 mm का ही है, 8 mm का स्टॉपर है। इन स्टॉपर का काम क्या होता है कि ये स्टॉप कर लेंगे, उससे लेंथ को ज़्यादा नहीं जाने देंगे। ये इस ड्रिल का स्टॉपर नहीं है। बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, वो अलग अलग लेंथ के अंदर ही ड्रिल्स बनाती हैं। जैसे ये वाली इस ड्रिल का स्टॉपर है, ये 8 mm का स्टॉपर है हमारा, और हम इसकी मदद से एक पायलट ड्रिल कर सकते हैं। तो ये क्या होगा कि हमारी ड्रिल को एक्स्ट्रा जाने से रोकेगा। जैसे आरसीटी में भी हम स्टॉपर लगाते हैं ना कि एक्स्ट्रा ड्रिल आउट ना करते, तो सेम वे में इसके अंदर भी हमें स्टॉपर का यूज करना होता है। अगर यही देखें तो कई सारी किट्स अलग अलग लेंथ में ड्रिल्स बनाती हैं, जिसके कारण बहुत सारी ड्रिल्स के वो हो जाते हैं। जैसे ये ऑस्टियम की किट है, ये व्हाइट वाली, इसमें अलग अलग लेंथ की ड्रिल है, 7, 8.5, 10, 11.5, ये 3.5 के अंदर ये डिफरेंट ड्रिल्स है अलग अलग साइज के, इसमें स्टॉपर की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप डेंटियम का करेंगे तो आपको इस तरीके की स्टॉपर एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत पड़ेगी। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये भी आपने एक बार कर लिया तो बार बार यही यूज होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हमने क्या था, हमने डायमीटर डिसाइड किया था, फिर उसके बाद हमने क्या यूज करना है, तो फर्स्ट ड्रिल, सेकेंड ड्रिल 3.6, 4.0 एंड 4.5। अब ये तक मेरा 4.5 तक प्रिपेयर हो गया है। अब यहाँ पे हमें तक अभी तक ये पता लग चुका होगा कि हमारी बोन की जो क्वालिटी है वो कैसी है, D1 है, D2 है, मींस वो हार्ड है, सॉफ्ट है, इमीडिएट एक्सट्रैक्शन का केस है या नहीं है। अगर हमें वो बोन हार्ड लगती है, जैसे D1, D2, तो जो इसका क्या मतलब है कि कॉर्टिकल बोन काफ़ी मोटी है, तो हमारा इम्प्लांट डायरेक्टली नहीं जाएगा। तो ये हमारी जो कॉर्टिकल ड्रिल्स कहते हैं, ये देख सकते हैं कि इसकी लेंथ मेरे ख्याल से 6-7 mm के आसपास होगी। ये कॉर्टिकल ड्रिल्स क्या होती है, ऊपर से जो प्लेटफॉर्म होता है जो हमारा इम्प्लांट का होता है, वो टेपर्ड होता है, ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से पतला होता है। तो ये ऊपर से सिर्फ कॉर्टिकल बोन को ट्रिम करेगी, नीचे से पार्ट को नहीं करेगी। आरसीटी में हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम केनाल को इनलार्ज करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाइड कर देते हैं अपने जीपी को जाने के लिए, लेकिन इम्प्लांट में ऐसा नहीं करते। इम्प्लांट के अंदर हमें जो ड्रिल का जो साइज होता है वो थोड़ा सा छोटा रखना होता है एज कम्पेयर टू इम्प्लांट साइज, ताकि वो उसमें जाके बिल्कुल टाइटली फिट हो जाए, उसमें टॉर्क आ जाए, उसके अंदर प्राइमरी स्टेबिलिटी आ जाए। तो हम अगर बोन हार्ड है तो ही यूज करते हैं, अगर D3, D4 बोन है तो हम इसको यूज नहीं करते, या इमीडिएट आप इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं तो उसमें भी हो सकता है इस ड्रिल को यूज करने की जरूरत ना पड़े। तो ये सारी की सारी ड्रिल दो साइज में अगर आप देख सकते हैं, ये लंबी वाली है, ये छोटी वाली है। तो आपको जैसे अगर माउथ ओपनिंग कम है तो इन ड्रिल्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन इन ड्रिल्स का क्या घाटा है, इस पर स्टॉपर यूज नहीं हो पाएगा। तो मेरे जो मैक्सिमम केसेस हैं वो मैं विद स्टॉपर इन्हीं के साथ यूज करता हूँ। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो इम्प्लांट है एडजेसेंट टीथ के कारण अड़ रहा है और आपकी ड्रिल राइट वर्किंग लेंथ तक नहीं जा रही, तो हम क्या करेंगे कि ये ड्रिल एक्सटेंशन यूज करेंगे, ये इसके अंदर जाएगी और ये ऐसे अब आपकी ड्रिल की जो लेंथ है वो एक्चुअली लंबी हो गई। नेक्स्ट, ये हमारी जो चीज है ये हैंड ड्राइवर है, ये जैसे कवर स्क्रू, हीलिंग कैप या अबटमेंट का स्क्रू को टाइट या खोलने के लिए काम आता है, ये हैंड से हम यूज कर पाएंगे इसको। नेक्स्ट, दो ये जो आप देख रहे हैं ये हैंडपीस में लगने वाले इम्प्लांट ड्राइवर है। ये इम्प्लांट ड्राइवर मतलब कि इम्प्लांट जब उनकी डब्बी में से खोलोगे तो पहले इससे पिक करना है, देन यू हैव टू प्लेस इट इन माउथ।
अगर आप इम्प्लांट हैंड से प्लेस करना चाहते हैं फॉर बेटर कंट्रोल, तो आपको ये वाला रैचेट ड्राइवर वाला जो इम्प्लांट का कैरियर है ये यूज करना पड़ेगा। दोस्तों ये हमारा जो है ये हमारा रैचेट है। अब ये विदाउट टॉर्क है, हम इसमें टॉर्क मेजर नहीं कर सकते हैं, तो पर्सनली आई डोंट लाइक टू यूज इट। ये पहले से किट में देते थे तो वो अभी है हमारे पास, तो इसकी जगह हम कौन सा यूज करेंगे, टॉर्क रैचेट। ये एक्स्ट्रा आता है किट के साथ। इसमें क्या है कि हम इम्प्लांट की टॉर्क चेक कर सकते हैं, वो कितना उसके अंदर टॉर्क की वैल्यू है, उसी के से हम प्राइमरी स्टेबिलिटी का भी अंदाजा लगाते हैं। इसका घाटा क्या है कि जो ये स्क्रू है ये खो जाता है, ऐसे घूमता रहता है और ये निकल के गिर जाता है कई बार माउथ के अंदर। मेरा भी खो चुका है, मेरे फ्रेंड का भी खो चुका है, तो आई थिंक ये इस चीज के ऊपर वर्क करना चाहिए डेंटियम कंपनी को। नेक्स्ट क्या है, ये डेप्थ गेज है। आप इसको जब आपने ड्रिल आउट कर लिया तो आप इससे डेप्थ भी चेक कर सकते हैं और उस जो होल है ड्रिलिंग होल है बोन के अंदर उसको ये भी चेक कर सकते हैं कहीं से सॉफ्ट तो नहीं है, कहीं से परफोरेशन तो नहीं है, वो इस इंस्ट्रूमेंट से आप चेक कर सकते हैं। इसे डेप्थ गेज कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये रैचेट ड्राइवर है। जब आप हमें फाइनल टॉर्क देना होता है अपार्टमेंट स्क्रू को या आप हीलिंग कैप को टॉर्क देना चाहते हैं, कवर स्क्रू को टॉर्क देना चाहते हैं, तो इसकी मदद से करेंगे। ये इसके इन सब से रैचेट के साथ फिट हो जाता है एंड देन यू कैन यूज इट। फ्रेंड्स ओवरऑल ओवरव्यू तो मैंने आपको इस किट का दे दिया है। अब मेरे पास एक ये डमी मॉडल है, तो देख लेते हैं इन किट को हम कैसे यूज करते हैं। तो हम सपोज इसमें ऑलरेडी मैंने होल कर रखे हैं, तो हमारे पास और तो कुछ नहीं है, हम सपोज इमीडिएट इम्प्लांट डालेंगे इसके अंदर। अब ये इंटरडेंटल बोन कितनी ब्यूटीफुली आपको दिख रही है, माउथ में ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला है, तो इस मॉडल को देख के गलत मत सोच लेना। तो हमारा क्या जो ट्रीटमेंट प्लान क्या है कि हम इस इंटरडेंटल बोन को यूज करेंगे और यहाँ पे हम इम्प्लांट प्लेस करने वाले हैं। प्लांट के अंदर मेरे पास ये कि फेल्ड इम्प्लांट पड़ा हुआ है, मेरा कभी फेल हो गया होगा तो इसको यूज करेंगे हम। ये भी ब्लू कलर का है, तो ये 4.5 डायमीटर का है। लेंथ तो मुझे याद नहीं इसकी क्या होगी, लेकिन डाल के देखते हैं कि कैसे हम काम करेंगे। फ्रेंड्स ये मेरे पास फिजियो डिस्पेंसर है एनएसके कंपनी का, और ये भी एक एक्स्ट्रा खर्चा होता है जब आप इम्प्लांटोलॉजी स्टार्ट करेंगे, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। वैसे कंपनी इम्प्लांट कंपनी इसको कुछ टाइम के लिए आपको रेंट भी दे सकती है, लेकिन अपना हो तो बेहतर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने 4.5 mm आरबीजी या सीबीसीटी के साथ प्लान किया है, तो हम स्टार्टिंग के अंदर 8 mm का ड्रिल करेंगे। ये मैंने ड्रिल को लगा लिया है, इसके साथ 8 mm का स्टॉपर लगा लेते हैं हम इस तरीके से, और पहले हम 8 mm ड्रिल करेंगे एंड वी विल टेक आरबीजी कि हम साइनस वॉल से दूर हैं या नहीं है, फिर उसके बाद हम अगर दूर होंगे तो 10 mm ड्रिल कर देंगे। तो इस तरीके से मेरा स्टार्टिंग में अगर ऐसा ही केस है तो हो सकता है मेरी जो ड्रिल है वो इधर स्लिप करे, तो स्टार्टिंग के अंदर आपको ध्यान रखना है आपकी स्लिप नहीं होने देनी। तो ऐसे ही बिल्कुल एकदम से ही चली जाती है, जब कॉर्टिकल बोन एकदम से ट्रिम होती है तो एकदम से ही ड्रिल अंदर घुस जाती है, तो कॉर्टिकल बोन ट्रिम हुई और एकदम से अंदर घुस गया। अब मेरा स्टॉपर ने मेरी ये ड्रिल को और ज्यादा अंदर जाने से रोक लिया। नाउ व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, या तो मैं यही ड्रिल अंदर डाल के एक्सरे ले लूंगा इस तरीके से, या फिर मैं अपनी पाथ पिल भी डाल के एक्सरे ले सकता हूं। लेकिन पाथ पिल में डालने से एक्सरे लेने की बजाय मैं ड्रिल ही डाल के एक्सरे लेना इसलिए चाहता हूं, तो मेरे को ये पता लग जाता है ये कितने एमएम अंदर है और मेरे पास रिमेनिंग बोन कितनी बची हुई है। तो इसको निकाल लेते हैं। सपोज मैंने एक्सरे ले लिया है और मुझे लगता है कि 2 mm की अभी और गुंजाइश है, हम एक्स्ट्रा जा सकते हैं, तो मैं अब इसके अंदर 10 mm का स्टॉपर लगाऊंगा और फिर कर लूंगा। अभी फिलहाल मेरे दूसरी किट के अंदर स्टॉपर्स पड़े हुए हैं, अभी नहीं है अवेलेबल है, तो मैं इसको 10 mm यानी मेरी जहां पे ये ग्रे की लाइन स्टार्ट हो रही है मैं वहां तक इसको ड्रिल करूंगा।
एक्चुअली में ये जो डेंटियम इम्प्लांट है, ये आपको 10 mm का इम्प्लांट डालना है, तो 1 mm एक्स्ट्रा ड्रिल करना होता है ताकि आप इसको 1 mm सब कॉर्टिकल लेके जा सको। अब ये मैंने 10 mm का ड्रिल कर दिया है, अब मेरी सेकंड लिंटरमैन ड्रिल आएगी। अब अगेन इसको 10 mm के लिए मैं 11 mm करूंगा ड्रिल। अब ये मेरी 3.6 mm की ड्रिल है, अब मैं अगेन इसको भी 11 mm ड्रिल करूंगा। अब मेरी 3.6 के बाद 4.0 की mm वाली ड्रिल आएगी, अगेन इसको भी मैं 10 mm ड्रिल करूंगा। अब माउथ के अंदर भी ऐसे ही अगर ये बोन नहीं होती तो यहां से ट्रिम हो जाती है, टूट जाती है। अब मैं लास्ट अपनी 4.5 mm की ड्रिल करूंगा। अब ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मेरी जो माउथ में भी ऐसे ही होता है, किसी एक रूट टिप की टूवर्ड्स वो मिल जाती है और वहीं पे सॉकेट में हो जाता है। तो ज्यादातर ये पैलेटल में मिलती है माउथ के अंदर, तो लेकिन यहाँ पे हमारी मीजियोपक्कल रूट के अंदर ये मिल गया है। लास्ट में एक्चुअल में अगर ये माउथ में होता तो मेरे को ये कॉर्टिकल ड्रिल यूज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अपर मैगजिला में अच्छी बोन क्वालिटी नहीं होती और हम इमीडिएट केस कर रहे हैं तो भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये मॉडल है, यहाँ पे कोई ये इसकी एक्सपेंड नहीं हो सकता, तो इस वजह से ये मेरे को यूज करना पड़ेगा इम्प्लांट प्लेस करने के लिए। बस इतना, दैट्स इट। तो आपने देखा कि हमने जो ड्रिल है वो जस्ट एक बार अंदर डालनी है, बाहर लेके आनी है, हमने उसकी तरह सर्कमफ्रेंशियल फाइलिंग नहीं करनी आरसीटी की तरह। तो अब मैं अपना इम्प्लांट को पिक करूँ, करने के लिए मेरे पास इसका ड्राइवर है। अब मैं यहाँ पे अपनी जो स्पीड है, पहले मेरी 1400 थी, अब मैं इसको डिक्रीज करके 35 कर दूंगा। जो टॉर्क है वो मैं 30 टॉर्क रखूंगा, चलो 25 टॉर्क रख लेते। फिर उसके बाद मैं अपना इम्प्लांट खोलूंगा, मेरा जो असिस्टेंट है वो इसको यहाँ से रै ऐसे खोलता है और इसको ड्रॉप कर देता है, इसको छूता नहीं है। फिर मैं उसको ऐसे उठाऊंगा, इसको खोलूंगा और अब मेरा जो ये इम्प्लांट है ये मेरे सामने है एंड ये इसके अंदर डालूंगा और ये कट की आवाज़ आएगी, यानी अब ये इंगेज हो गया है। अब ये इम्प्लांट मैंने ऐसे पिक कर लेना है और ये अब मैं डालूंगा, ये जा रहा है। सपोज ये यहाँ पे जाके रुक गया, 30 टॉर्क मेरी रीच हो गई है, तो अब मैं क्या करूंगा, अपना ये टॉर्क रेचेट ड्राइवर, इम्प्लांट ड्राइवर लूंगा, अपना डालूंगा। अब ये फॉरवर्ड और रिवर्स का है तो मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो अब मैं डालूंगा और मैं देखूंगा कि ये कितना टॉर्क मेरे पास आ रहा है। इट्स नॉट वर्किंग, मेरा इम्प्लांट बिल्कुल फ्री है, इट्स हैज नो टॉर्क। आइडियली इसके अंदर टॉर्क आना चाहिए था, 35 के आसपास आना चाहिए था, लेकिन अब मेरा सॉकेट बड़ा है क्योंकि इसके अंदर इमीडिएट प्लेसमेंट है, तो इस वजह से मेरे को कोई टॉर्क नहीं मिल रही है, नहीं तो ये यहाँ पे 40-50 टॉर्क मेरे को मिलती। अब नहीं मिल रही तो भी आपको कोई वर्री करने की जरूरत नहीं, अगर एक्चुअल पेशेंट है तो। ये अब हम क्या करेंगे, अगर इमीडिएट केस है तो इसके अंदर जिंजाइवा इतना फ्री नहीं होगा कि मैं इस पूरे सॉकेट को
क्लोज कर सकूं बाई जिंजाइवा, तो मैं क्या करूंगा इसके ऊपर एक हीलिंग कैप लगाऊंगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, इसे कहते हैं कवर स्क्रू, इसे कहते हैं कवर स्क्रू। मैं इसके अंदर ये ऐसे पिक करूंगा और इसके अंदर एंड आई विल क्लोज। अगर मेरे को कोई टॉर्क नहीं है मेरे पास और मुझको कोई ग्राफ्टिंग वाला केस है तो मैं इसको पूरा क्लोज करके और इसको क्लोज कर दूंगा। टॉर्क का मतलब मेरे पास प्राइमरी स्टेबिलिटी कम है, तो अगर मान लेते हैं कि मेरे पास प्राइमरी स्टेबिलिटी अच्छी है देन मैं हीलिंग कवर कैप यूज करूंगा और इसको ऐसे लगा के देन आई विल क्लोज द सॉकेट और बाकी सारे जगह के जो भी खाली एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे मैं बोन ग्राफ्ट डाल दूंगा। फ्रेंड्स, इस इम्प्लांट के डेमो के अंदर, सर्जिकल किट के अंदर बस इतना ही। आशा करता हूँ तो इस किट के अंदर की कुछ विशेष बातें आपको बता पाया हूँ। वैसे जैसे मेरे पास ये ऑस्टियम किट है, नोबल की है, एडिन की है, ऑलमोस्ट सारी जो किट्स होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम वर्क करती हैं। कुछ ड्रिल्स का सीक्वेंस होगा जो आपको फॉलो करना है, आपकी प्लानिंग होगी जिसमें आप इम्प्लांट डायमीटर और लेंथ को डिसाइड करोगे और जो जो भी आपका मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करना। कुछ मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन कुछ कहते हैं और इवन जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। जैसे सुपर लाइन इम्प्लांटेड एंटीएम कंपनी का, इन्हीं का एनआर लाइन होगा तो डिफरेंट हो सकती है और अगर स्लिम लाइन होगा तो वो भी डिफरेंट हो सकती है। तो वो कंपनी टू कंपनी भी वेरी करेंगी इंस्ट्रक्शंस और आपका जो बोन टू बोन भी वेरी करेंगी। और जो भी ये प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ये जरूरी नहीं है आपको बोन के अंदर एक्चुअल पेशेंट के अंदर सेम सिनेरियो मिले, कई बार हमें चेंजेस भी करने पड़ते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो जैसे जैसे आप इम्प्लांट सीखेंगे ये सारी बातें क्लियर होती चलेंगी। और अगर आपको इम्प्लांट सीखना है तो आप जानते हैं कहाँ आना है, GDS डेंटल अकेडमी में आना है। बिल्कुल इसी तरीके से आसान शब्दों के अंदर आपको पहले इम्प्लांट सिखाएंगे, फिर पेशेंट पे कराएंगे और फिर आप अपने पेशेंट्स में डाल के बहुत मूट भी कमाओगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोज। थैंक यू।